अभी हम लोग जो है वो अलवर के मूसी महारानी की छतरी के पास है एंड दिस इज़ द एंट्रेंस। आप यहाँ से आ सकते हो। पूछते पूछते आएंगे आप लोग जिला पार्षद वार्षद का जो ऑफिस है वो और कलहरा कलेक्टर के ऑफिस से होते हुए निकलेंगे आप लोग एंड देन आपको एंट्रेंस मिलेगा। तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आएंगे आप एंड ऐसा कुछ ऐसा बोर्ड नहीं लगा हुआ, लोगों से पूछना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ द व्यू। Maharani की छतरी। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस टू विजिट ऑल्सो इन अलवर। और ये जो एरिया है ये महाराजा विजय सिंह ने अपने माँ बाप की याद में बनाया था। तो ये किसी तट पर बनाया गया था, किसी तट के ऊपर एंड नीचे पूरा झील का एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो बहुत ही प्यारा गुंबद आकार का बनाया गया है। इसके अंदर काफ़ी ठंड महसूस होगी आप लोगों को। ये पाषाण पत्थरों से बनाया गया है, लाल पत्थरों से बनाया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा एक पॉइंट है अगर आप अलवर आते हैं तो विजिट करने के लिए। तो चलिए मैं आपको कुछ शॉट्स दिखाती हूँ एंड देखते हैं कि मूसी महारानी की छतरी कैसी दिखती है। लेट्स गो विद मी। आप लोगों को मेरी बात सही आ रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट के लिए आते हैं एंड दिस इज वेरी नाइस प्लेस। आई मस्ट से कि मैंने वो जो बाला किला देखा था उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद ये जो है मूसी महारानी की छतरी पसंद आया। एंड यहाँ पे काफ़ी कुछ है, मतलब आप सैर सपाटा कर सकते हैं। यहाँ पे फेमस प्याज कचौड़ियाँ भी मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बट एंट्रेंस में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है क्योंकि जब मैं भी आई थी तब मुझे भी ऐसा लगा था कि कैसे जिला पार्षद के मकान में घुस के आप कैसे जा सकते हो। बट यस थोड़ा एंट्रेंस में प्रॉब्लम होगा, अन्यथा दिस इज़ वेरी नाइस प्लेस टू विजिट इन अलवर। एंड या तो मैं आपको कुछ शॉट्स दिखाती हूँ। काफ़ी हवा भी चल रही है यहाँ पे एंड आई डोंट नो कि आपको आवाज़ कैसी आ रही होगी। दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग, तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। 2 दिन बाद व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सो चलिए थोड़े और शॉर्ट्स देखते हैं।